हेलो दोस्तों, वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दो हैंडसेट का सेट डेट का सलूशन देने जा रहे हैं जो चलते चलते बंद हो जाता है, Redmi Note 9 और 9 Power, इन दोनों का। ये मोबाइल डेड था ना, तो इस तरीके से मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें एक कंपोनेंट रिमूव किया गया ना, मैंने डायरेक्ट उस पर काम कर दिया, तो बाद में जब आपको ट्रिक बताऊंगा तो आसानी से समझ जाओगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ना कई सारे मॉडल हैं जिसमें ऑटोमेटिक पोर्ट बनता है, रेडमी के जैसे जो सीरीज हैं उसमें इस टाइप से प्रॉब्लम आते रहता है। क्या ये बता दो आपका है? ठीक है, तो अभी तो ये स्टार्टिंग है। सबसे पहले ये बैटरी का मॉडल नंबर क्या लिखा है इसमें, BN62। तो BN62 ऊपर में दिख रहा है ना, बैटरी मॉडल नेम यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे Redmi Note 9 4G बता रहा है। क्या बता रहा है? Redmi Note 9 4G। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डेड है, चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जर लगा रहे हैं, चार्जर लगाने से यहाँ पे दिखा देता है, चार्जर लगाने से यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, तो इसको चेक कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। तो कंप्यूटर में देखिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर में देखिए, इसको लगाने से यहाँ पे ये पोर्ट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से ऑटोमेटिक पोर्ट आ रहा है। कैसे टाइप का पोर्ट आ रहा है देखिएगा ध्यान से। इसको लगाया, ऑटोमेटिक आ रहा है, बिना कोई बटन दबाए बैटरी लगा हुआ है, बिना कोई बटन दबाए बैटरी लगा हुआ है। बैटरी निकाल देते हैं एक बार, फिर से लगाते हैं दोबारा, देखिए ठीक ऑटोमेटिक पोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पोर्ट आएगा तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। इसमें मतलब मोबाइल में शॉर्टिंग है, मोबाइल में शॉर्टिंग है, तो खोलना है ये जहाँ साइड में जो ढक्कन लगा हुआ है, तो खोला। सबसे पहले हमें ये वाले कैपेसिटर को निकालना है, मैं इसको निकाल कर इसको मैंने निकाला है, रिमूव किया है, तो एक बार चेक शो कर दिया, ठीक है। वहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आ गया, लेकिन इधर की तरफ अभी कुछ नहीं आया है। इधर दिखाइए, देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। अब मैं इसका बैटरी लगा देता हूँ, इसका बैटरी लगा दिया। अब एक बार इसको फिर से चार्जर लगाता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी उसमें चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन इधर कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कंप्यूटर में लगा के एक बार देखता हूँ। इसको लगाया, देखिए अभी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं आ रहा है ना, कंप्यूटर में इधर ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं आ रहा है। इधर दिखाऊँ, मोबाइल भी दिखाना, ठीक है। तो इधर ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं आ रहा है। अभी इसका बैटरी ना बूस्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट था बैटरी, पूरा डाउन है, इसलिए ये चार्जिंग ये आया, देखो ये चार्जिंग संकेत आ गया, ठीक है। यहाँ पे बैटरी डाउन है इसलिए आ रहा है ये, तो बैटरी चार्ज करेंगे हो जाएगा, बैटरी लगा नहीं है। ये देखिए यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, और लगा दिया बैटरी, और ये अब ये ले लिया, हाई एम्पेयर ले लिया, वहाँ पर देखिए 1.1 एम्पेयर ले लिया, 1.1 एम्पीयर ले लिया, मतलब अब ये चार्जिंग उठा लिया है, तो अब ये चार्ज होगा अब, ठीक है। तो देखिए चार्जिंग उठा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार इधर दिखाऊँ, ठीक है, ये आ गया है, ये ओके हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा देर ऐसे ही रहेगा, मतलब फिर